देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है? यस सर। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है? जैसे अगर ले लीजिए कोई चार्ज आपका Q, ठीक है? फील्ड का मतलब ऐसे समझो कि कितने एरिया तक आपका प्रभाव है, ठीक है? वैसे चार्ज का प्रभाव कैसा होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब इससे कितने दूर तक और कितने एरिया में आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस कर सकते हैं, वो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मान लिया, इसको आप टेस्ट कैसे करेंगे? यहाँ पे क्यू नॉट से। किससे टेस्ट करेंगे? क्यू नॉट कोई टेस्ट चार्ज है। हम क्या करेंगे, एक सिंगल चार्ज होगा, उसके अराउंड कहीं भी ले जाके एक क्यू नॉट चार्ज को रखेंगे। अगर वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, इसका मतलब वहां पे उसकी फील्ड प्रेजेंट है। अगर नहीं एक्सपीरियंस कर रहा है तो प्रेजेंट नहीं है। तो ये मैथमेटिकली अगर इसको कहें तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल ई जो होती है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज, ठीक है? अब देखिए, अगर प्लस चार्ज है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर प्लस चार्ज कहीं पे है तो इससे परपेंडिकुलरली इलेक्ट्रिक फील्ड हर तरफ बाहर निकलती हुई किधर रहेगी? हर तरफ बाहर निकलती हुई। अगर आपका माइनस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू सरफेस हर तरफ अंदर जाती हुई, ठीक है? अगर क्यू नॉट नहीं, ये क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड, क्यू नॉट तो टेस्ट चार्ज है, उससे हमारा कोई मतलब नहीं। उसको टेस्ट करने के लिए ले गए कि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है। ये जो हमारी फील्ड होगी वो सिंगल चार्ज जो एक क्यू है, इसकी फील्ड हमको देखना है। फील्ड की वजह से क्या लगता है? फोर्स, ठीक है? फील्ड पॉजिटिव या नेगेटिव बता। पॉजिटिव अगर चार्ज है ये वाला तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलती हुई, ठीक है? और अगर निगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर आती हुई। ये है, आपको दोनों की डायरेक्शन ध्यान रखना है, ठीक? तो इलेक्ट्रिक फील्ड में लिखिए एरिया अराउंड एनी चार्ज, एरिया अराउंड एनी चार्ज अप टू वेयर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड मैथमेटिकली इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, ये हमारा मैथमेटिकली क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। अगर मान लो इस क्यू चार्ज की वहां पे फील्ड रखनी है तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ क्या कहता है? जो एफ होगा वो कितना हो जाएगा? के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। उस पे अगर ये आर डिस्टेंस पे हम देख रहे हैं तो क्यू नॉट पे फोर्स क्या होगा? के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। अब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड सिंस ई इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, तो जब इसको क्यू नॉट से डिवाइड करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी? के क्यू अपान, मतलब सिंगल चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी? के क्यू बाई आर स्क्वायर। अब अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? पोजीशन वेक्टर के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई, यानी मॉड ऑफ आर का क्यूब इंटू आर वेक्टर। अगर कोई सिंगल चार्ज है पॉइंट और प्लस है तो उससे हर तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी? बाहर की तरफ। माइनस है तो किधर होगी? अंदर की तरफ। यानी अगर हम इसकी यूनिट को डिफाइन करना चाहें तो यूनिट क्या होगी? देखिए, फोर्स अपान क्यू नॉट है ना, फोर्स की यूनिट हो गई न्यूटन, चार्ज की पर कूलम। यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन पर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन लिखें हम तो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स क्या होता है? एम एल टी माइनस टू अपान कूलम क्या हो जाएगा? ए टी। तो डायमेंशन आएगी एम एल टी माइनस थ्री ए माइनस वन, ठीक है? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन, ये यूनिट और कैसे होती है वो समझ में आया?
देखिए फार्मूले में जरा सा डिफरेंस है, कंफ्यूज मत होइएगा। जब फोर्स निकालते थे दो चार्ज के बीच का था, फील्ड क्या होगी सिंगल चार्ज का होगा। इसमें क्या है के क्यू अपान आर स्क्वायर, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो के क्यू अपान आर क्यूब इंटू आर वेक्टर, समझिए। पर न्यूमेरिकल ज्यादातर हमें इसी फार्मूले सॉल्व करना है, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए देखिए इसके बाद अगर अब देखें हम तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला हमको मिल गया, ये यूनिट हो गई, ये डायमेंशन हो गई। प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ जाती हुई, माइनस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ आती हुई। अब इसके न्यूमेरिकल देखते हैं कैसे लगते हैं, ठीक है। तो इस पे भी वही, चूंकि ये वेक्टर है तो वेक्टर ही फॉर्म यहाँ भी सारी कहानी रहेगी, ठीक है। तो पहले हम एनसीईआरटी का सवाल देखते हैं। लिखिए टू चार्जेस ईच ऑफ 6 माइक्रोकूलम, ओ सॉरी टू चार्जेस 6 माइक्रोकूलम एंड माइनस 6 माइक्रोकूलम, टू चार्जेस 6 माइक्रोकूलम एंड माइनस 6 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड टू एम एम अपार्ट फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू चार्ज। ठीक, अब देखिए ध्यान से हमारे, और दूसरा इसका बी पार्ट लिख लो, इफ टू माइक्रोकूलम प्लेस एट दिस पॉइंट फाइंड फोर्स, ठीक है। अब देखिए हमारे पास दो चार्ज हैं, एक है आपका 6 × 10⁻⁶ माइक्रो का मतलब 10⁻⁶, दूसरा है −6 × 10⁻⁶ और इनके बीच की दूरी क्या है 2 mm। अब इनका मिड पॉइंट मान लो कहाँ है, ओ, ठीक है, मिड पॉइंट ओ है और तो इसकी दूरी क्या हो जाएगी 1 mm 1 mm। अब इसको हमको इसके मिड पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है और सेकेंड पार्ट में कह रहा है अगर कोई चार्ज यहाँ पे रख दें तो फोर्स बताना है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी, सबसे पहले उस पॉइंट पे हम बैठ जाएंगे जहाँ पे निकालना है, फिर वहाँ पे हर एक चार्ज की फील्ड देखेंगे कहाँ पे है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ अगर ये वाला ओ पॉइंट है, अगर हम कहें प्लस चार्ज से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, प्लस से बाहर निकलती है ना, अगर प्लस से बाहर निकलती है मतलब इस पॉइंट पे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इधर हो जाएगी ना, इसको हमने क्या कह दिया, ई ए, क्या कह दिया, अब उसको भूल जाइए ए को। अब बी को देखिए, अब बी से, बी आपका चार्ज निगेटिव है तो बी की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, बी की उसी की तरफ हो जाएगी ना, क्योंकि माइनस की तरफ प्लस से बाहर, जब इससे देखा यहाँ पे तो किधर जा रही है बाहर, उससे देखेंगे तो किधर जा रही है अंदर, इसका मतलब इसकी भी फील्ड की डायरेक्शन इधर ही होगी, उसको हमने क्या कह दिया ई बी, क्या कह दिया। अब ई ए ई बी एक डायरेक्शन में है तो वेक्टर हमसे करेंगे 0° एंगल पे सीधे क्या आ जाता है ई ए प्लस ई बी। तो सर अब देखेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ ड्यू टू प्लस क्यू, वो ई ए इज इक्वल टू 1/4πε₀ क्यू बाय आर स्क्वायर, के की वैल्यू हमने लिख दी है, के क्यू बाय आर स्क्वायर होता है, के की वैल्यू 1/4πε₀ हमने रख दिया, तो 1/4πε₀ की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ और क्यू हमारा कितना है 6 × 10⁻⁶, आर कितना है 1 mm, mm को बदला 10⁻³ का होल स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा, ये आएगा 54 × 10⁻³ 3 × 6 × 10⁻⁹ न्यूटन पर कूलम आ जाएगा। ऐसे देखेंगे ड्यू टू माइनस क्यू तो ई बी वो कितना आ जाएगा 9 × 10⁻⁹ 6 × 10⁻⁶, मैग्नीट्यूड में हमको साइन रखना नहीं है,
अपॉन 1 × 10⁻³ का होल स्क्वायर, ये भी कितना मिलेगा? मिला। अब आपको पता है ई नेट, ई एट ओ निकालेंगे तो किसके बराबर है? ई ए प्लस ई बी के बराबर। दोनों का सम कर दो कितना हो जाएगा? 54 × 10⁹ 108 × 10⁹। इसको लिखा जाएगा 1.08 साइंटिफिक नोटेशन में × 10⁻¹ न्यूटन पर कूलम। ये आ गया क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब दूसरा वाला इसका बी पार्ट क्या कह रहा है कि फोर्स निकालना है जब 2 कूलम का चार्ज हो। अगर कहीं पे हमको फील्ड पता है, अगर हमको कहीं पे फील्ड पता है और उस पर फोर्स निकालना है तो क्या आएगा? अभी देखो F इज इक्वल टू क्या देखे थे? QE। क्या देखे थे? क्यू नॉट ई या क्यू ई। अब समझो 2 μC क्या है? क्यू नॉट है। तो F इज इक्वल टू क्या जाएगा? क्यू इंटू ई। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जब आपको पता है तो सीधे आप चार्ज से मल्टीप्लाई करेंगे, फोर्स मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा। अब ध्यान हमको क्या देना है, अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ठीक। अगर इसमें आपका, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, अगर प्लस क्यू चार्ज है, क्या है? प्लस क्यू चार्ज है, तो इस पर फोर्स क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग। फोर्स किधर होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग। अगर चार्ज आपका माइनस क्यू होगा, अगर आपका चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगेगा। तो किधर लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। समझ गए? उतार लीजिए। कभी भी अगर प्लस चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे अलोंग लगेगा, माइनस चार्ज रखेंगे अपोजिट लगेगा उस पर फोर्स। अब अगर हम चार्ज को कहां रखें, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कहीं, ठीक, तो लिखिए, लिखिए टू चार्जेस −8 μC एंड −8 μC। टू चार्जेस 8 μC एंड −8 μC आर प्लेस्ड ६ mm अपार्ट अचार्ज ऑफ 2 μC प्लेस्ड एट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू चार्ज एट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू चार्ज एट 4 mm एट 4 mm फ्रॉम सेंटर फाइंड फोर्स ऑन इट। 4 mm फ्रॉम सेंटर फाइंड फील्ड ऑन इट। फोर्स नहीं, फाइंड फील्ड ऑन इट, फील्ड निकालना है। ये पॉइंट कोई सी है, यहाँ पे हमको फील्ड निकालना है। ये चार्ज ए, ये चार्ज बी। अब देखो ध्यान से, इन दोनों चार्ज के बीच की दूरी क्या है? 6। तो इनकी, इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी? 3 mm। अब इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है हमको इन दो चार्ज से। हमने पढ़ा है क्या, प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जाती हुई हर डायरेक्शन में और माइनस से हर डायरेक्शन में अंदर आती हुई। तो इस प्लस का अगर लाइन ऑफ एक्शन देखो तो ये वाला है, तो प्लस से वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी? अगर इस प्लस से हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखें तो इधर की तरफ होगी। ये क्या होगी? ईए। ये क्या है? और ये माइनस वाले चार्ज से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखो तो अंदर की तरफ ना। अब देखो यहाँ माइनस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ आ जाएगी। ये हो गया ईबी। ये क्या हो गया? अब इनको हम चाहें तो कैसे निकाल सकते हैं? दो के रिजल्टेंट निकाल के लिए उनके बीच का एंगल चाहिए, लेकिन अगर इसको हम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से करें तो और आसान हो जाएगा रिजॉल्व करके। अगर देखो ये 3, ये 4 तो ये कितना आएगा? 5। ये भी कितना आएगा? 5 mm। अब देखो ध्यान से, अगर हम देखें ये 90 डिग्री है तो ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा? ठीक है।
अब यहाँ इसको कंपोनेंट में रिजॉल्व करना है, ध्यान से देखिए, ये थीटा तो ये थीटा अल्टरनेट है, ये थीटा और ये थीटा क्या है करस्पॉन्डिंग। अब ई ए को कंपोनेंट में डिवाइड करो तो किधर आएगा, ई ए कॉस थीटा, ऊपर क्या आएगा, बोलिए नहीं, ई बी को रिजॉल्व करो इधर क्या आएगा, ई बी नीचे क्या आएगा, आएगा नहीं आएगा। आप देखो बस, हम अगर ई ए बी पता चल जाए तो हमको आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी ड्यू टू प्लस क्यू। देखिए क्या हो जाएगा आपका, ई ए 1/4 pi epsilon naught क्यू अपान आर स्क्वायर। एलर्जी हो गई लग रहा है, ठीक है। अब देखो वैल्यू रख दो, 9 × 10⁻⁹ क्यू है आपका 8 × 10⁻⁶ अपान 5 स्क्वायर 5 × 10⁻³। यही तो आएगा। सिमिलरली ई बी निकालो, वो भी क्या आएगा, यही आएगा। अब ध्यान से देखो, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है नहीं है, क्योंकि सेम मैग्नीट्यूड है और सेम दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, बस डायरेक्शन दोनों की अलग अलग है। तो आप यहां लिख सकते हैं, सिंस मॉड ऑफ ई ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ ई बी, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है बराबर। तो ई वर्टिकल, वर्टिकल कंपोनेंट अगर देखो तो क्या था, ई ए साइन थीटा माइनस ई बी। अरे देखो नीचे क्या है, ई बी साइन थीटा, ऊपर क्या है, ई ए, दोनों मिला के अगर मैग्नीट्यूड बराबर है तो क्या हो गया, जीरो। क्या आ गया, जीरो। ई ऑरिजेंटल देखो तो क्या आएगा, ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2 ई ए कॉस थीटा, क्योंकि ई ए ई बी क्या है बराबर। अब वैल्यू पुट कर दीजिए ऊपर से तो क्या मिलेगा, 2 × 9 × 10⁻⁹ × 8 × 10⁻⁶ अपान 25 × 10⁻⁶। इसको सॉल्व कर दिया, ये -6 - 6 कट गया, ठीक है। ये आ जाएगा 0.08, क्या आ जाएगा 0.0, हम मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर हो गया, समझ गए। इसको हमने सवाल को कैसे किया, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से। ये दोनों सवाल जो हमने किए एक तरह के डेरिवेशन भी हैं। अभी आगे जो हम लोग डायपोल पढ़ेंगे तो डायपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा इसी तरीके से, वहां पे निकाला जाएगा और एक्सिस पे नीचे वाले तरीके से निकाला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया। अब देखिए डायरेक्शन किधर है इलेक्ट्रिक फील्ड की, इस सवाल में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पूछा जाए तो किधर है, पैरेलल टू लाइन, ठीक है, और किधर है, प्लस से माइनस की तरफ, किधर है, उधर की तरफ जा रही है ना, नेट फील्ड इधर ही तो आई है आपकी, नेट फील्ड इधर आई मतलब प्लस से माइनस की तरफ। तो एक प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक फील्ड की प्लस से चलती है, माइनस पे खत्म होती है, अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक कॉस थीटा की वैल्यू रखनी है ना, देखिए 2 ई ए कॉस थीटा आया है, अब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कॉस थीटा से, ई ए कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होता है, बेस अपान हाइपरटेनियर, ये थीटा है तो ये बेस और ये क्या हो गया, मतलब इंटू 3/5 और करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, 3/5। अब इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक। आखिरी में नोट कर दो सब लोग, ये हमारा 2 ई ए कॉस थीटा है ना, ई ए की वैल्यू हमने यहां से रखा और कॉस थीटा इस ट्रायंगल से बेस अपान हाइपरटेनियस। नोट करने में स्पीड बढ़ाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिए। थ्री चार्जेस क्यू
माइनस क्यू एंड क्यू, थ्री चार्जेस क्यू माइनस क्यू एंड क्यू, मैं वेरिएबल में करा रहा हूँ, आपके स्कूल में या बुक में सवाल डिजिट पे भी हो सकता है। क्यू माइनस क्यू एंड क्यू आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड Find the electric field at the centroid. Centroid कहाँ होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। ये O हो गया, ये सेंट्रॉयड है, यहाँ पे हमको फील्ड निकालनी है, ठीक है, समझ गया ना? अब देखिए यहाँ पे, इस पे अगर ध्यान से देखो तो ये एंगल कितना हो जाएगा 120, ये एंगल भी, ये भी 120, और इसका साइड मान लो क्या है, ए, साइड क्या है, तो मैंने बताया था इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर साइड ए है तो रेडियस ऑफ सर्कमसेंटर क्या आ जाता है, ए बाय रूट थ्री, क्या आता है, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी हर एक में आर आर है, और ये आर कितना होगा, ए बाई रूट थ्री, ठीक है। अब इसको देखिए ध्यान से, अब हमको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो अब ये प्लस वाला चार्ज जो है यहाँ पे देखें अगर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, बाहर निकलती हुई ना, प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी, और इस वाले प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ किधर होगी, ये भी बाहर निकलती हुई, ये हो गई ई ए, ये होगी ई बी, और अगर ये माइनस वाले चार्ज से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो किधर होगी, ऊपर, मतलब कि हमारी जो ईसी है वो किधर है, इधर है, ये है ईसी। अब तीन वेक्टर का रियल टर्म निकाल रहा है, किसका, तीन वेक्टर का, तो हम पहले दो को सॉल्व करेंगे फिर दो को, तो सबसे हम देखेंगे ई एट ओ ड्यू टू ए, वो ई ए इज इक्वल टू क्या रहेगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, मतलब ए बाई रूट थ्री का होल स्क्वायर, यानी थ्री के क्यू बाई ए स्क्वायर, यही तो आएगा, आर की वैल्यू ए बाई रूट थ्री रखा गया क्योंकि डिस्टेंस यही है ना। दूसरा देखो ई बी, वो कितना आएगा, वो भी यही इतना आएगा, थ्री के क्यू अपान ए स्क्वायर। ऐसे देखो ई सी, वो भी इतना ही आएगा, नहीं आएगा, बस सबकी डायरेक्शन अलग अलग है। जो ई ए है वो किधर है, along AO, ये किधर है, along BO, ये किधर है, along OC। तो सबसे पहले हम निकालेंगे E net due to EA and EB, है नहीं है, अगर ध्यान से देखो सब इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर है, सबका मैग्नीट्यूड बराबर आया नहीं आया है, तो सबको E लिख सकते हैं, ये हम अपनी सुविधा के लिए लिख रहे हैं ताकि क्वेश्चन आसान लगे। अब ई नेट जब निकालेंगे तो ई ए और ई बी के बीच का एंगल कितना है, अंडर रूट ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस टू ई स्क्वायर इंटू कॉस 120 है, कॉस 120 मतलब माइनस वन बाय टू, माइनस वन बाय टू से ये क्या बचेगा, ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर, ये खत्म हो गया, तो क्या बचा, ई कितना आया, मतलब ई ए और ई बी का रियल टर्म कितना आया, ई, चूंकि दोनों बराबर थे इसलिए ये एंगल, ये एंगल क्या होंगे, इक्वल, तो 60 60 120 ऊपर, यानी इसी के अलावा आपका ई नेट भी आ जाएगा ना, ई नेट भी उसी के अलावा आ जाएगा, तो अब हमारा नेट फील्ड कितना आ जाएगा, ई रिजल्टेंट, ई रिजल्टेंट अगर हम कहें तो क्या क्या है, दोनों एक तरफ आ गए तो क्या जोड़ देंगे हम, ई नेट प्लस ई सी, ई नेट प्लस ई सी, दोनों वो भी बराबर ही हैं, तो कितना आ जाएगा, टू इंटू थ्री इंटू के क्यू बाई आर स्क्वायर, इसका मतलब 6 KQ/R², ये आपका आंसर हो गया, सॉरी ये ए स्क्वायर है।
ये आपका आंसर, ठीक है, 2 × 3 KQ/A², ये आपका आंसर आ गया। अब इसकी डायरेक्शन किधर आई? अलोंग OC। अगर हमको बताइए, आप लोग चुप रहिए, अगर इसी चार्ज को मैं प्लस कर देता तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती? अगर इस चार्ज को मैं प्लस कर देता तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती? जीरो। कितनी आती? जीरो, क्योंकि इन दोनों का रिजल्टेंट ऊपर और इसका किधर हो जाता? नीचे, और दोनों एक दूसरे का अपोजिट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। ऐसे भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। हाँ, अरे यार, ई नेट क्या आया था? ई ही तो आया, और ये भी क्या है? सब ई ही है, तो ईसी भी है, दोनों मिला के 2E नहीं हो जाएगा भैया? A/√3² करो, कितना होगा? यहाँ देखिए, ये R की वैल्यू रखा है, A/√3, A/√3² किया तो √3² 3, वो किधर चला गया? ऊपर। देखो, डायरेक्शन के लिए प्लस की, प्लस चार्ज यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर ही निकलती है ना, ये भी प्लस तो इसकी भी बाहर निकली, और ये वाला माइनस तो इसकी किधर है? ऊपर, यानी ईसी इसकी तरफ, ई भी इधर, इधर इधर। पहले इन दोनों को हमने सॉल्व किया, इन दोनों को सॉल्व किया तो इसकी भी नेट कहाँ है? उसी के अलॉन्ग ना। अब दोनों एक डायरेक्शन में तो ऐड नहीं कर देंगे, हाँ अपोजिट होगी, सब्ट्रैक्ट। अगर ये वाला भी प्लस होता तो क्या आता? जीरो, ठीक है। देखिए, न्यूमेरिकल लगाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो क्या है? सबसे पहले आपको गिवन डाटा पता होना चाहिए कि क्या क्या दिया गया है। इसके बाद अगर डायग्राम बन सकता है तो पहले डायग्राम बना लीजिए, आपका 90% न्यूमेरिकल अपने आप सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखे लिखिए, अचार्ज अचार्ज बॉडी ऑफ मास 20 मिलीग्राम, अचार्ज बॉडी ऑफ मास 20 मिलीग्राम एंड चार्ज 10E- एंड चार्ज 10E- ऐसे, ठीक है, हेल्ड स्टेशनरी, हेल्ड स्टेशनरी एंड हेल्ड स्टेशनरी इन ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, पढ़ा होगा ना? मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट कुछ इसी प्रिंसिपल पे चार्ज बाय मास का रेशियो निकाला जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए, ग्रेविटी में कोई चार्ज, ये आपका इसका मास कितना है? 20 मिलीग्राम, और ये क्या स्टेशनरी है, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। इस पे चार्ज कितना है? 10E-, कितना चार्ज है? 10E-। अब हमको बताइए, ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लगेगा? नीचे। नीचे कितना लग गया हमसे? 20 × 10⁻³ mg, फोर्स बराबर mg होता ना? Yes, इतना फोर्स नीचे लग रहा है। अगर इसको स्टेशनरी रखना है तो हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किधर चाहिए? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऊपर हमको चाहने के लिए इलेक्ट्रिक, ये चार्ज कैसा है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होनी चाहिए? हमने क्या बताया था इससे पहले कि अगर माइनस चार्ज है तो फोर्स किधर लगेगा? अपोजिट, और प्लस चार्ज है तो अलोंग। अब 10E- है, इसका मतलब कैसा है? निगेटिव। तो अगर हमको फोर्स ऊपर चाहिए इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इधर रखना पड़ेगा, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी नीचे होगी। ऐसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर है तो इस पे 10E पे फोर्स ऊपर हो जाएगा ना, इसी बॉडी पे जो फोर्स होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक वो ऊपर आ जाएगा, वो कैसा होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक, है कि नहीं? अब इक्विलिब्रियम पे ये दोनों फोर्स की वैल्यू बराबर होनी चाहिए,
यानी हमको एफ पी इज इक्वल टू किसके होना चाहिए, एम जी के। अब फोर्स ऑन 10 इलेक्ट्रॉन कैसे लिखेंगे, क्यू ई, क्या हो जाएगा, क्यू ई इक्वल टू एम इंटू जी। क्यू हो गया 10 इंटू ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। इलेक्ट्रिक फील्ड हमको पता नहीं है, मास कितना है 20 मिलीग्राम और जी की वैल्यू 9.8। ठीक है, आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, नहीं आ जाएगा, डायरेक्शन आपको पहले ही पता लग गया, नहीं पता लग गया, समझ गए। अगर यही चार्ज हम कहते प्लस है कुछ भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आती, ऊपर। माइनस चार्ज था इसलिए स्टेबल करने के लिए किधर आए इलेक्ट्रिक फील्ड, नीचे, समझ गए। ये आपका 3 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड में। नेक्स्ट आपका हमको अब पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। हेडिंग डाल लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं वो देखिए। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, ये आपकी एक इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो जिसके किसी पॉइंट पे टेंजेंट, मतलब इमेजिनरी कर्व है कोई ऐसे, इसके किसी पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रा किया जाए तो वो क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या देगा डायरेक्शन ऑफ। तो लिखो दीज आर इमेजिनरी कर्व कर्व टेंजेंट ऑन एनी पॉइंट ऑफ विच gives the direction of electric field at that point। अब जरा इलेक्ट्रिक फील्ड की शक्ल देखते हैं हम, ठीक है। अगर सिंगल चार्ज है आपका प्लस क्यू तो हर तरफ सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ होगी, अगर आपका माइनस है तो हर तरफ परपेंडिकुलरली अंदर की तरफ, ठीक है। अब अगर मान लो हम क्या करें, एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज आइडेंटिकल से कैसे हो, आइडेंटिकल प्लस क्यू और माइनस क्यू, इनको अगर हम क्या रख दें पास में, कहाँ रख दें पास। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ मैग्नेटिक फील्ड जैसी, जैसे मैग्नेटिक फील्ड की शक्ल देखे थे ना आयरन फिलिंग डाल के 9th class 10th class में, देखिए यहाँ से देखिए तो प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शुरू होगी और माइनस पे खत्म, ऐसे प्लस से शुरू और माइनस पे, प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलती हुई और माइनस में, एग्जाम में अगर बनाने के लिए आता है तो क्या होगा, प्लस माइनस चार्ज अगर आइडेंटिकल है तो उसका शेप कैसा होगा, इस तरह से, अगर दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है बराबर। अगर आपका, और ध्यान रखना है इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस की तरफ जाती है, माइनस से प्लस की तरफ नहीं आती है, देखिए ध्यान से। अब देखिए अगर आपका एक चार्ज प्लस क्यू है और दूसरा भी क्या है प्लस क्यू और मैग्नीट्यूड बराबर है, मैग्नीट्यूड क्या है तो बीच में इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे एक नल पॉइंट मिलेगा, यहाँ पे, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो, क्योंकि दोनों की फील्ड लाइन रिपेल करेंगी ना। तो देखिए इससे बाहर निकलती हुई ऐसे बनेगी, देखिए जितने करा रहा हूँ एग्जाम में बनाने के लिए आ सकते हैं। प्लस से बाहर जाती हुई, माइनस से अंदर आती हुई, ध्यान रखना है। अगर यही आपका चार्ज माइनस माइनस होता दोनों, क्या होता, तो एरो जो बाहर है उसको अंदर कर देते, बाकी शक्ल ऐसी ही होती, उसकी जो शक्ल होगी वो ऐसी ही होगी, बाकी एरो किधर कर देंगे, अंदर। अब मान लो आपने ऐसा देखा कि एक चार्ज छोटा है Q1 और दूसरा चार्ज बड़ा है, अगर Q2 बड़ा Q1 छोटा,
यहाँ पे क्या है, Q2 greater than Q1, तो क्या होगा उस समय, देखिए Q2 का फोर्स ज्यादा होगा Q1 पे ना, ये इसको रिपेल तेजी से करेगा और ये क्या करेगा कम, तो आपका नल पॉइंट कम वाले चार्ज की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ऐसे यहाँ पे नल पॉइंट आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ ऐसी बनेगी। इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आएगी। अब एक सवाल बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है कि एक प्लस क्यू चार्ज है, क्या है एक प्लस क्यू, उसके सामने एक मेटल प्लेट रखी हुई है, एक प्लस क्यू चार्ज है उसके सामने मेटल प्लेट रख दी गई है, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनानी है। एक प्लस क्यू चार्ज है मेटल प्लेट के सामने रखी है, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी है। देखिए अगर प्लस है तो मेटल प्लेट पे कैसा चार्ज इंड्यूस करेगा, कैसा इंड्यूस करेगा बोलो सोना, अगर प्लस चार्ज है इस पे कैसा चार्ज इंड्यूस करेगा माइनस, तो देखिए इसने क्या कर दिया प्लेट पे माइनस माइनस इंड्यूस कर दिया। अब आप ध्यान से देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर बनानी है तो प्लस से शुरू माइनस पे खत्म, तो इसकी शक्ल ऐसी आ जाएगी, ये बोर्ड्स में आ चुका है आपके। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस समझ गए, बना लो सारे, हाँ रुके हैं उधर वाला बनाओ जल्दी। आप देखिए हमको करना है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो जो हमने देखा उसी को लिखना है, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जब हम राइटिंग सुधारते हैं तो जो सुधरवा रही थी आती ही नहीं है। नहीं इस साल सोच रहा हूँ थोड़ी बहुत राइटिंग सुधारी तुम, देखिए मिटा देने वाला, देखिए पहली प्रॉपर्टी जो हमने देखा वही क्या है, दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट, लिखो दे स्टार्ट एट पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट निगेटिव चार्ज, दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट निगेटिव चार्ज। दूसरी प्रॉपर्टी, नंबर ऑफ फील्ड लाइन प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, अगर कहीं पे मान लो कोई चार्ज है कि उससे फील्ड लाइन ज्यादा है डेंसर है, क्या है, और दूसरा चार्ज Q2 है जिससे फील्ड लाइन्स रेयरर है, तो जिससे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ज्यादा होंगी उस चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, जिसका चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होगा उससे फील्ड लाइंस क्या होंगी कम, दूर दूर, अगर इसकी फील्ड लाइंस दूर दूर है तो मैग्नीट्यूड कम है, ये क्या है ज्यादा, यानी Q1 ग्रेटर देन Q2। तीसरी प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी, दे फॉर्म कंटिन्यूअस कर्व कंटिन्यूअस कर्व का मतलब, जब देखिए मान लो एक चार्ज क्यू है ये है माइनस, तो जब ये चलती है तो बीच में कहीं पे ब्रेक नहीं होता है, बीच में कहीं ब्रेक क्योंकि E इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू विच फॉर्म कंटिन्यूअस कर्व, विच फॉर्म, इसलिए बीच में कहीं ब्रेक नहीं होगी। चौथी प्रॉपर्टी है, दे डू नॉट
फॉर्म क्लोज लूप, दे डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप, दे डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप। क्लोज लूप का मतलब क्या होता है? पूरा लूप बनाना। आप देखो ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस जा रही है, पर माइनस से प्लस कभी नहीं आ रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिडायरेक्शनल है ना, प्लस से माइनस तो जाती है पर माइनस से प्लस नहीं आती, इसलिए ये क्लोज लूप फॉर्म नहीं करते। कहीं भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स में क्लोज लूप बना, समझो क्या बना है, गलत समझिए क्या है, वो गड़बड़ है। अब देखिए, अब इसमें इसका रीजन पूछा जाए तो लिख सकते हो कि बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिडायरेक्शनल, स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंड्स एट नेगेटिव, जो दूसरा पॉइंट था वो इसका आंसर है। चौथा सबसे आखिरी पॉइंट बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, लिखो, दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि वाई डू टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अब दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती? देखिए, बहुत सारी प्रॉपर्टीज सिमिलर टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी हैं, जिससे आप लोग थोड़ा बहुत परिचित हैं। अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी इंटरसेक्ट कर जाएं, तो आपने क्या पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी कर्व होता है जिसके पॉइंट पर टेंजेंट डायरेक्शन देता है इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब देखो, इस पॉइंट पर देखिए, अगर इस वाले कर्व के लिए टेंजेंट बनाओ तो इधर ना, और इस वाले कर्व के लिए टेंजेंट बनाओ तो इधर। अब देखिए, एक ही पॉइंट पे दो टेंजेंट हो गई, एक ही पॉइंट पे, जो कि दो डायरेक्शन शो कर रहा है, जो पॉसिबल नहीं है। तो लिखो आंसर इसका, इफ दे इंटरसेक्ट वी कैन ड्रॉ टू टेंजेंट्स एट सिंगल पॉइंट विच शोज टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेम पॉइंट। Which is not possible। और ये चित्र बना दो ऐसे, आपके स्कूल के टेस्ट में एग्जाम में बहुत पूछा आता है। तो जितना लिखवाया है, जो चित्र बनाया है, वो आपको उतना लिखना और बनाना है। पॉइंट। अब चलिए कुछ क्वेश्चन लेते हैं एमसीक्यू टाइप के, जिनका आपको जवाब देना है। देखिए क्वेश्चन में, देखिए, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, आपका क्वेश्चन है। बात नहीं करो। देखिए, पहला है, पहला ऑप्शन, बोलो मत। बोलो नहीं कह रहे, आवाज न करो। सी सी सी
कौन सा सही है? थर्ड सही है ना। देखो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा निकल रही है ना, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है, इसका मतलब ये क्या हो गया? पॉजिटिव। ये क्या हो गया? जहाँ पे जा रही है वो निगेटिव। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक तो ज्यादा है, ज्यादा मतलब ये चार्ज भी ज्यादा होगा, इसका मतलब क्या हुआ? Q1 मैग्नीट्यूड ज्यादा है, Q2 कम है। अगर इसमें पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहाँ मिलेगी, इसी में अगर पूछा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जीरो किधर मिलेगा, छोटे चार्ज की तरफ कि बड़े चार्ज की तरफ? किधर मिलेगा? हमने बताया था ना कि अगर कहीं पे दो चार्ज हो, दोनों अपोजिट हो, तो नल पॉइंट हमेशा छोटे चार्ज की तरफ लिखेगा। और किधर साइड मिलेगा? लेफ्ट साइड। कहाँ मिलेगा? लेफ्ट साइड ऑफ स्मॉलर चार्ज, सॉरी ये स्मॉलर है, तो राइट साइड ऑफ स्मॉलर चार्ज। समझ गए? इसी में ऑप्शन ए भी बदल सकता है। अब दूसरा, ऐसे दूसरा क्वेश्चन है, वही चीज है कि चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव इकाई गिवन फील्ड लाइंस बोलो नहीं चारों में से कौन सी सही है? कौन सी सही है? है? हाँ देखिए, अगर ये वाला देखो तो एक चार्ज से यहाँ जा रही है, यहाँ से फिर यहाँ भी एक ही चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड जा भी रही है, वहां से निकल भी रही है, जो कि पॉसिबल इसमें देखो हर एक चार्ज से निकल रही है ना, इसका मतलब ये सही है। इसमें देखो जहां से जा रही वहां से निकल भी रही है, ये भी पॉसिबल। इसमें देखो बीच में क्लोज लूप बन गया, बाकी सब सही है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड में क्लोज लूप होती नहीं। क्या चीज? हाँ वो इंटरसेक्ट ना करे तब भी मान लो बना रहे, अगर ऐसे ही बनाया जाए इंटरसेक्शन ना हो तो देखना है कि कहीं पे क्लोज लूप फॉर्म तो नहीं हो रही है। अगर क्लोज लूप फॉर्म हो रही है हुई तो पॉसिबल, उतार लीजिए। ये क्लोज नहीं कह सकते ना, क्योंकि एक से निकल रही दूसरे पे जा रही, अलग अलग चार्जेस हैं। अब वो बात अलग है कि एक ही चार्ज से दो फील्ड लाइंस एक जा रही है निकल रही, तो पॉसिबल नहीं है। बना लीजिए।